तो मैं आप जितिन जैक्सन फिर हाजिर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तो आयो गाइस, आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। गाइस सुबह के बच्चों के 10, तो अभी हम लोग जिम करके आ चुके हैं। हम लोग साइड पे गए थे साइड देखने के लिए, साइड देख के आ चुके हैं, अभी जा रहे हैं सिटी। हम लोग सिटी से थोड़ा सा बाहर आते हैं जिम करने के लिए, सिटी जा रहे हैं, फिर चलते हैं सीधे घर। चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। फाइनली हम लोग आ चुके हैं ओरछा। हम लोग सुबह सुबह काफ़ी दिनों से कहीं घूमने नहीं आए थे, सोचा घूमते तो हम लोग रोज ही हैं। हम लोग अभी आ गए हैं ओरछा रिवर साइड, क्योंकि हमें सुकून मिलता है, मज़ा आता है। तो अभी शायद हम लोग या नहाएंगे या रिवर राफ्टिंग या कुछ भी, कुछ ना कुछ बोटिंग वोटिंग जरूर करेंगे। तभी हम जा रहे हैं क्लब साइड, राज बोटिंग क्लब है, वहाँ जा रहे हैं। ये नदी है सामने बगल में, लेकिन जो रिवर राफ्टिंग है वो आगे होती है, बोटिंग भी है जो आगे होती है, तो वहाँ जा रहे हैं अभी। हम लोग आ चुके हैं ओरछा रिवर साइड। हम लोग हमेशा आते हैं, महीने में एक आध बार जरूर आते हैं, वहाँ अच्छा लगता है। यहाँ पे फेस मसाज भी होती है, देखो कितनी बढ़िया। लास्ट टाइम में दिखाया था आपको, ये हम लोग कराने वाले हैं फेस मसाज। उससे पहले पैर धुलवाते हैं जिम में। अरे नहीं आते हम कह रहे हैं, मिलते थे ना जिम में भैया, जिम उधर आ गए थे। अब यहाँ से हो गई फेस मसाज, किधर चले गए? पहले पैर धुलेंगे पूरा, ट्रांसफर हो गया अच्छे से, फेस मिला दिन से देखा तो मजा आने वाला है। हाँ सही है, चलो बैठो। हाँ ठीक है, अब नीले से जाने वाले हैं फिर टैंक में, उनके पैर जाने वाले हैं, मतलब पहले अच्छे से बैठ जाइए। ये जी को लगा डर, आज डर लग रहा है क्या? नहीं इंग्लिश देखो कितना डर लग रहा है, देखिए हो ये देखिए, ये देखिए गाइस, ये देखिए वाह मजा आ गया, देखिए कितना बड़ी, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, ये सही है। चलो मैं भी कराता हूँ, मैं बैठता हूँ देखता हूँ मुझे कैसा लगता है फेस टैंक। मैंने कभी नहीं कराया, पहले आज ही करा रहे हैं फर्स्ट टाइम। इसमें थोड़ी बड़ी है, डर तो मेरे को भी लग रहा है, डर नहीं लग रहा है, मतलब अजीब से लग रहा है। रुक जाओ देखते हैं। सर मैं फाइनली पैर डालने वाला हूँ, देखता हूँ कैसा लगता है। थोड़ा सा कैसे करें भाई, भैया यार कसम से, लेकिन बहुत डर लग रहा है भैया, लग रहा खाने फूल मछली खाने वाली मजा आ रहा है वाले की जे मरने वाला हो, मेरी मर गई आज तो यार। खत्म खत्म, देखिए देखो देखो गाइस, देखो गाइस बहुत पैर खा रही है पूरा। ओए 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 ओए, मसाज अब नहीं कराऊंगा कभी, मसाज अब ना कराऊंगा मैं कभी। दिल्ली से देखो कितना मजा आ रहा है, कितना मजा आ रहा है, सही बताना आनंद आ रहा है देखो मेरे को पता कसम से लग रहा है जी, वो रहा वाइब्रेशन, वाइब्रेशन जैसा लग रहा है, वाइब्रेशन ही तो और क्या होता है। बस चलो ये कर भैया ले रहा जाते 100 रुपया ले रहा भैया, एक आदमी ये नन के एक एक आदमी के दोनों गोड़न के एक के संग एक फ्री एक आदमी के स्टार्टिंग में होगा ज्यादा, बाद में तो बहुत इधर ले लो, स्टार्टिंग में दिक्कत है, बाप की मजा। अरे वाइब्रेशन टाइप, वाइब्रेशन ना बस क्यों रही ना, वो घिन लग रही है, अरे पूरी ये देखो ये होता है
नहीं, ये डैडी स्की नहीं खाती है। गाइस अब बहुत मजा आ रहा है, देखो ये देखिए जनता हम लोगों के मजे ले रही है। लेकिन कसम से पहले लेवल शुरू में लगा कि अब तो गए, लेकिन अब तो पर्ची भरनी आएगी। इन फिश को क्या बोलते हैं, इस फिश को क्या बोलते हैं? कारा रूफ फिश का नाम है, कारा रूफा, कारा रूफा। लिटरली बता रहा हूँ, जब पहले सेकंड अब डाला तो ऐसा लगा कि अब गए, मतलब पूरी मछलियों ने पैर खा लिया। लेकिन अब इतना मज़ा आ रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, क्या बताऊँ। ऐसा कोई बिल्कुल मसाज धीरे धीरे से बिल्कुल गुदगुदी हो रही है, मसाज कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप ज़रूर विजिट करें, जैसे आप ओरछा में आएंगे, ओरछा पे रिवर साइड में आएंगे, यहाँ पे मंदिर बहुत सारी जहाँ पे छतरियाँ बनी हुई हैं। किस नाम से भैया अपना? थाईलैंड फिश सर्विस, फिश मसाज, सॉरी साइलेंट फिश मसाज। हमारे और नीलेश भैया, नीलेश भैया कितना मजा कर रहे हैं। इसे कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है भाई, मजा तो इतना आ रहा है कि हम आप देख ही लिया होगा, आपने नहीं देखा तो और थोड़ा देख लिया। देखो मेरे ऊपर तक आ गई, ऊपर तक मसाज हो रही है। इसका चार्ज पूछ लेते हैं भैया से, भैया इसका चार्ज क्या है? 100 रुपये पर पर्सन। कितने टाइम के लिए देते हैं आप? 10 मिनट के लिए। इसका एज ग्रुप क्या है? कोई एज नहीं है, बस जो छोटे बच्चे रहते हैं उनकी बॉडी थोड़ी सी सेंसिटिव रहती है, इस वजह से उन्हें नहीं अलाउ है, बाकी सबको अलाउ है। छोटे बच्चे छोड़ के, मतलब किड्स छोड़ के सारे सबके लिए अलाउ है। बहुत अच्छा होता है, डेड स्किन होती है जो आपकी रिमूव हो जाती है, पैर साफ हो जाते हैं। तो आप जरूर ट्राई करें ओरछा के रिवर साइड पे, भैया का थाईलैंड फिश सर्विस। फाइनली देखो कितने सुंदर लग रहे हैं पैर, साफ हो गए, पूरी डेस से निकल गई, रिमूव हो गई। देखो 10 मिनट रखा, 10-12 मिनट, भैया का भी देखो बढ़िया है, बहुत बढ़िया। थैंक यू भैया। मसाज कराने के बाद हम लोग आ गए हैं रिवर साइड। तो मौसम देखिए, बिल्कुल बादल छा गए हैं, बिल्कुल डार्कनेस हो गई है। हम लोग करेंगे अभी शायद, देखते हैं बोटिंग करेंगे या रिवर राफ्टिंग करेंगे, दो में से एक तो करेंगे। चलिए चलते हैं अभी सीधा। अभी मूड चेंज हो चुका है, अभी बोटिंग नहीं कर रहे, राफ्टिंग यहाँ पे हो नहीं रही है, बोटिंग नहीं कर रहे क्योंकि काफ़ी बार कर चुके हैं। अभी नहाने नहा लेते हैं, अभी नहा लेते हैं, चलिए नहाते हैं अभी कुछ तरीके से। देखो वहाँ पे बोटिंग हो रही है, यहाँ लोग नहा रहे हैं बढ़िया चाव से, देखिए काफ़ी फैमिली लोग इतने प्यार से नहा रही है, तो हम भी नहाते हैं। मस्त नहा लिया है, पैर रिलैक्स हो गए थे, अब बॉडी भी रिलैक्स हो गई, बहुत मज़ा आ गया। अभी चलते हैं कुछ खाते हैं और चलते हैं सीधे घर, चलें भाई। खाना पीना सब मस्त हो गया है, ऐसे हम लोग घर से निकल रहे थे, बारिश स्टार्ट हो गई हल्की हल्की, चलते हैं सीधे घर। अब टाइम हो गया बहुत, 2 बज गए हैं दोपहर। तो गाइस चेक दिस आउट, हम ओरछा से आ गए थे, तो हमारे दोस्त कुछ मिलने आए हमसे भाई। अरे हम गए थे ना, अरे हम गए थे मोहित भाई, गौरव भाई हमारे माते। और सब लोग कैसे हैं भाई? बढ़िया भाई, इसे तो आप जानते ही होंगे, पतला तो डाली फूक मारो तो नीचे गिर जाए। गोली तो हो गई, क्या करें, उसका इलाज बताओ मुझे।
इसे इसे 7-8 महीने हो गए, हम दिखवा भी लिया, लेकिन सही नहीं हो रही, वो क्या चीजें लगेगा, वो ये क्या चीजें लगेगा, उसके बाद कुछ होगा। हाँ डॉक्टर साहब हमें इलाज बताएंगे, हम आपको फीस भी देंगे, बताओ। चलो जिस घर में कोई उल्टा पैदा हुआ उसके घर में पत्थर फेंको, देख भी जाऊं उल्टा को पैदा हुआ मोहित जिसके कर्म उल्टे उसका चले भाई। हां एक एग्जांपल उल्टा ही हुआ है, ये हुआ है उल्टा सच्चा देखना। और जो अकेला एक लड़का हो, अब ये तो मिथ है भाई, ये तो कुछ नहीं कह रहा, अब तो कुछ देख, अब इसने पहली बार सही निकली, पहली बार सही निकली, पहली बार सही निकली। माता आप सहमत हैं? ठीक है, आज हम मोहित के घर पे उल्टा हुआ था, उसके घर पे पत्थर फेंकने वाले हैं, और मेरी ये गोरी सही हो जाएगी, नहीं हुई वीडियो, जिसको भी गोरी हो, नहीं जिसको भी गोरी हो वो मोहित के घर मशीन में आ गया, मोहित के घर में पत्थर फेंकने वाला लगता है, उसकी आंख ठीक हो जाएगी। चलिए भाई, मोहित भाई हमें ट्रीट दे रहे हैं ना, कितने रुपए की हुई मोहित भाई? ये है भाई, पता नहीं कितने की, 10 की, वो 10 की, वो 10 की, ये 20 रुपए की है ना, बटर ये बटर 50 रुपए देंगे ना जी आप, बटर स्कॉच नहीं है क्या? हाँ, बड़ी 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 नहीं दिख रही तुम्हें, मैं तो 10 की ढक्कन पे लिखा है इस पे, मैं 10 की दूंगा। तो भाई हमें दे रहे हैं मोहित भाई ट्रीट, थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू, थैंक यू, कोई बात नहीं, थैंक यू, उन्होंने हमें इतना सम्मान दिया। अरे अरे बस हमारी माँ जी बताने क्या करें, क्या करेंगे जी हैं? फॉल साड़ी में फॉल लगा रही हैं, हम बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में गैस डाल रहे हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। हम लोगों ने गैस भर लिए, ये देखो, नहीं नहीं ये देखो, जब तू हमें मारते रहता है फिर, हेलो गाइस, हेलो गाइस बोलते नहीं, तुम क्यों बोलते नहीं हो, ऐसा नहीं लगती तो पहले क्या लेट जाओ, नहीं लेट नहीं, नहीं लेट जाओ, अभी तुम कहाँ गए थे, अभी तुम कहाँ गए थे, चक्कर पर गए थे, चक्कर पर गए थे क्या घूमने के लिए दादा के साथ, दादा के साथ घूमने गए थे, बाय हम तुम्हें दबा देंगे, हम दबा देंगे तुम, चल बस 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 बस, ओ मेरे भगवान, ठीक है बाय, कह दो बाय। आज है मैच हमारे चेन्नई का, ऑफिस कौन सी इनका, जीटी कौन सी होती है गुजरात टाइटल्स का, तो हम लोग देख रहे हैं अभी ग्रैंड फिनाले वहाँ चल रहा है मैच, मुझे जीती हुई हमारे साथ देखने के लिए आए दर्शक में, मजा आ रहा है मैच में, नहीं हम लोग चेन्नई के सपोर्टर हैं दोनों, चेन्नई के सपोर्ट में हम लोग, चेन्नई जीतना चाहिए, चलो नहीं भैया पार्टी देंगे, चेन्नई जीतेगी। तो गाइस मैच का हाफ हो चुका है, गुजरात ने बनाए हैं 214 रन, तो जीतने के लिए चाहिए 215 रन, तो लेकिन हमें विश्वास है कि धोनी, कैसा लग रहा हूँ नहीं धोनी जीतेगा भाई, धोनी जीतेगा, अभी बारिश होने लगी तो अभी इंटरवल हो गया, बारिश होने लगी तीसरी बॉल पे ही बारिश होने लगी, लेकिन मैच देखेंगे पूरा, अच्छा कुछ हो जाए तो। हाँ गाइस रात के बज चुके हैं 11, अभी मतलब मैच में पानी गिरने की वजह से मैच रुक चुका था, अभी हम लोग 1 घंटे वेट करते हैं 10 बजे से 11 बजे तक, लेकिन मैच शुरू होना है अभी थोड़ी देर में, लेकिन हम अब देखेंगे तो 1-2 बज जाएंगे, तो कल सुबह जिम भी जाना है, रूटीन भी देखना है, तो गाइस अभी मैच नहीं देख रहे हैं आज का, वो यहीं पर एंड कर रहे हैं, सो रहे हैं, सुबह देखेंगे जो भी जीतेगा, आई होप लेकिन सीएसके ही जीते, मतलब चेन्नई सुपर किंग ही जीते, लेकिन देखते हैं क्योंकि बिग फैन ऑफ धोनी, यहाँ धोनी क्योंकि लास्ट मैच है आज का, तो गाइस आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, तो लाइक कर देना, मेरे चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं ऐसे अच्छे इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तो आज के मज़ा तो आपको आया होगा, चलो कोई बात नहीं ऐसे देखते रहिए ब्लॉग, तो आज के लिए अलविदा, मैं अभिजीत जैक्सन, जय हिंद जय भारत।